हिंदुस्तान के जीवन में 7 सितंबर मुझे एक और साक्षात्कार हुआ। और मैं कहना चाहूंगा 7 सितंबर रात में सुबह 1:50 पूरा देश टीवी के सामने नजरें गाड़ के बैठा था। देश और दुनिया चंद्रयान की गति को खुशखबरी के लिए एक नजर से वहां देख रही थी। अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, 1:50 बाद के 100 सेकंड 7 सितंबर की रात के वो 100 सेकंड 7 सितंबर की अर्ली सुबह के वो 100 सेकंड मैंने एक और साक्षात्कार किया। एक घटना ने पूरे देश को 100 सेकंड के अंदर जगा दिया। एक घटना ने 100 सेकंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। एक ऐसा स्पिरिट, और मैं कहूंगा जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, मैं कहूंगा अब हिंदुस्तान में इसरो स्पिरिट है। अब देश नकारात्मकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सफलता असफलता के मायने 100 सेकंड के भीतर भीतर देश ने बदल दिए हैं। अब देश पुरुषार्थ की पूजा करता है, अब देश पराक्रम की पूजा करता है, अब देश परिवर्तन की आस्था को लेकर के चल पड़ा है। 125 करोड़ देशवासियों का ये मिजाज मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी विरासत है। जो लोग निराशा में जीते हैं, जिनको निराशा खोजने में ही आनंद आता है, आशा और विश्वास की ताकत क्या होती है, संकल्प का सामर्थ्य क्या होता है, 100 सेकंड में आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक हिंदुस्तान ने दिखा दिया है। जिस देश में संकल्पों के लिए जीने की इतनी बड़ी ताकत होती है, वो इसरो स्पिरिट होता है। जो देश सफलता और असफलता की सीमाओं के परे संकल्पों के लिए जीता है, वो सपने भी पूरे करता है। और इसलिए उस 100 सेकंड में देश ने जो करके दिखाया है, निमित्त इसरो था, निमित्त इसरो के वैज्ञानिक थे, निमित्त चंद्रयान की यात्रा थी, लेकिन मिजाज 125 करोड़ देशवासियों का था।
भारत भाग्यवान है, हम भाग्यवान है कि इस देश के अंदर ऐसी ऊर्जा है, देश के अंदर ऐसी भावनाएं हैं। यही भावनाएं देश के सारे संकल्पों को पूरा करने वाली है। भाइयों बहनों, हम निर्णय ले पा रहे हैं, हम फैसले ले पा रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को विश्वास है देश हित के सिवाय हमारे कोई मानदंड नहीं है, हमारा कोई तराजू नहीं है।